इस सवाल में आपको दे रखा है कि एक आदमी जिसका मास है एम, वो एक ब्लॉक जिसका मास है एम डैश उसको पुश कर रहा है। आपको कहा गया है ये आदमी स्लिप नहीं करता और आपको दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद ग्राउंड भी दे रखा है कि आदमी का म्यू है, ब्लॉक का म्यू डैश है। आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें ये आदमी इस ब्लॉक को पुश कर पाए और कौन सी कंडीशन में आदमी ब्लॉक को पुश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं। सबसे पहले तो ये आदमी ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहा होगा फ्रिक्शन से, इसलिए ग्राउंड इस पर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा फ्रिक्शन। तो ग्राउंड का फ्रिक्शन इस आदमी पर आगे की तरफ है और क्योंकि ये ब्लॉक को आगे की तरफ पुश किया जा रहा है इस पर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ एफ डैश। अब नॉर्मल फोर्स कितना है? नॉर्मल फोर्स जो इस आदमी पे लग रहा होगा वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, एन इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ का नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, एन डैश इज इक्वल टू एम डैश जी। अगर हम कंसिडर करें सिस्टम के मोशन को तो ये आदमी तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है पर ये ब्लॉक आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। हम चाहते हैं कि ये आदमी ब्लॉक को पुश कर पाए, इसलिए अगर मैं पूरे सिस्टम को कंसिडर करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल टू फॉरवर्ड एक्सेलरेशन। न्यूटन्स लॉ फॉर अ सिस्टम लगा रहा हूं मैं, एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू, यही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और तो कोई फोर्स है नहीं, तो एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन जीरो है इसलिए इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, प्लस इसका एक्सेलरेशन एम डैश ए। दिस इम्प्लाइज ये क्योंकि पॉजिटिव है हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो एफ डैश से बड़ा है। और जब तक ये फ्रिक्शन एफ डैश की लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तब तक ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ F इज ग्रेटर देन F डैश की लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो F डैश कितना होगा? लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू म्यू एम जी, क्योंकि यहाँ नॉर्मल फोर्स है एम जी, इट हैज टू बी ग्रेटर देन, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू डैश एम डैश जी, जी से जी चला गया। तो हमारे पास कंडीशन क्या आई? हमारे पास कंडीशन है म्यू एम इज ग्रेटर देन म्यू डैश एम डैश। अगर ये इक्वेशन ट्रू ही तभी ये आदमी इस ब्लॉक को पुश कर सकता है। इसलिए अगर म्यू डैश बड़ा हो गया म्यू से एंड एम डैश बड़ा हो गया एम से तो ये इक्वेशन का होना वैलिड होना इस इक्वेशन का वैलिड होना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? इस केस में इट्स नॉट पॉसिबल टू पुश। आपके पास जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें एक ऑप्शन है कि म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू, एम डैश इज ग्रेटर देन एम। आपको ये पता है कि इस कंडीशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये आदमी ब्लॉक को पुश कर सके। तो ब्लॉक को पुश करने के लिए म्यू इंटू एम हैज़ टू बी ग्रेटर देन म्यू डैश इंटू एम डैश, और इस कंडीशन में ये कंडीशन वैलिड नहीं हो सकती।